नेटफ्लिक्स पर आज यानी कि 27 सितंबर को इमरान हाशमी की बार्ड ऑफ ब्लड रिलीज कर दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बार्ड ऑफ ब्लड वेब सीरीज के बारे में और जानेंगे कैसी है ये सीरीज और आपको इस सीरीज को देखना चाहिए या नहीं। ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू है जिसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बार्ड ऑफ ब्लड की स्टोरी बेस्ड है बिलाल सिद्दीकी की बुक पर जो 2015 में आई थी और उस वक्त ये बुक काफी हिट हुई थी। तो शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स ने मिलकर इस बुक पर एक सीरीज बनाने की सोची जिसमें इमरान हाशमी को लीड रोल में कास्ट किया गया। इस सीरीज की स्टोरी स्टार्ट होती है बलूचिस्तान से जहां चार इंडियन इंटेलिजेंस को तालिबान ने पकड़ रखा है और ये चारों स्पाई कुछ इम्पोर्टेंट भेजने की कोशिश कर रहे होते हैं इंडियन इंटेलिजेंस विंग को और इनका रेस्क्यू करने के लिए कबीर आनंद को यानी कि इमरान हाशमी को बुलाया जाता है। कबीर आनंद एक अच्छे स्पाई हुआ करते थे जो अब वो सब कुछ छोड़कर किसी स्कूल में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रहे हैं और कबीर आनंद अपनी जॉब इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि इससे ज्यादा कुछ भी बताना यानी कि आपके सीरीज को स्पॉइल कर देना है। तो इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में आपको सभी कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है और आगे की मेन स्टोरी के लिए फर्स्ट एपिसोड में बेस बनाया जाता है। तो इस सीरीज का पहला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग है और इसका सेकंड एपिसोड थोड़ा बोरिंग है जिसकी वजह से कुछ लोग इस सीरीज को देखना छोड़ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे थर्ड एपिसोड से ये सीरीज काफी स्ट्रांग होती जाएगी और इस सीरीज में काफी ट्विस्ट आने लगेंगे और फिर आप इस सीरीज को एंजॉय करने लगेंगे। शुरू में आप इसकी स्टोरी को द फैमिली मैन से कंपेयर करेंगे पर थर्ड एपिसोड से ये सीरीज अपनी पकड़ बनाने लगती है। इस सीरीज में टोटल 7 एपिसोड्स है जिसे आपको इस वीकेंड एक बार जरूर देखना चाहिए। कुछ लोगों ने इस सीरीज को काफी खराब रिव्यूज दिए हैं और ये रिव्यूज उन्होंने इस सीरीज के रिलीज होने के एक घंटे बाद ही दे दिया है। तो हम आपको यहाँ ये बता दे कि ये सीरीज इतनी भी खराब नहीं कि इसे एक बार भी ना देखा जाए। अगर आप इस वीकेंड कंफ्यूज है कि अमेज़न प्राइम की द फैमिली मैन या नेटफ्लिक्स की बार्ड ऑफ ब्लड देखा जाए तो हम आपको द फैमिली मैन रिकमेंड करेंगे और इसके बाद आप बार्ड ऑफ ब्लड को देख सकते हैं। इमरान हाशमी ने इस सीरीज में काफी अच्छी एक्टिंग की है और ये सीरीज एक अच्छी सीरीज है जिसे एक बार आप जरूर देखें। आईएमडीबी पर इसे 7.9 स्टार दिया गया है और वहीं हम इस सीरीज को 3.5 स्टार देंगे। अगर आपने बार्ड ऑफ ब्लड देख ली है तो इस सीरीज को कमेंट में जरूर रेट करें। इसी तरह वेब सीरीज और मूवीज से रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।